भाई तू प्लीज शर्ट पहन के आज भी आया कर फ्राइडे यार, था, मस्जिद पे गया था, खराब दिखता है। बराबर है, लेकिन सुबह था, फिर मस्जिद में गया, फिर घर पे जाके चेंज करूंगा, फिर आऊंगा, तू फिर लेके जाऊंगा। नहीं आ सकता? अबे टी शर्ट भी लेके आ जाओ और साथ में। क्या, टी शर्ट है कोई 100 किलो का बोझा थोड़ी है, मस्जिद तो वो भी क्या रहेगा। होगा क्या मालूम, क्या देख बोल, अभी तेरे मालूम, ही दोस्त ने तुझे फंसा दिया, होता है। चल जा। पहले ही बोला था बुकिंग वगैरह लेके रखा है, इसे नहीं चलेगा। दिवाली की पूरी छुट्टी कैंसिल कर दूंगा तेरी, नहीं आया तो भी नहीं आया। और प्रदीप का भी सेम है। हेलो हेलो, हाँ सर, किधर है तू? सर गांव में सर। कितने दिन की छुट्टी थी सर? सोमवार को आने वाला सर। किसको बोल के लिया? मैसेज किया मैंने सुबह कल। छुट्टी मांगी जाती है, बताई जाती है? कब मैसेज किया तूने उसको? रात को। कल रात को? नहीं नहीं मैं तेरे हिसाब से काम चलाऊं, 4 दिन की छुट्टी थी तब नहीं पता चला। नहीं नहीं मतलब मैं आने वाला था। आने वाला था से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग दिवाली की यूजुअली 3 छुट्टी देते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे छुट्टी थी और फ्राइडे को भी हम लोग की वीक ऑफ थी। तो मैंने सोचा सब लोग को फैमिली के साथ टाइम मिल जाएगा, इसके लिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 4 छुट्टी साथ में दे दूंगा और फ्राइडे वर्किंग रखेंगे। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट 4 छुट्टी के बाद बंदे सब लोग काम पे टाइम पे आएंगे, बट इस चीज़ से मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से जूझ रहा हूँ, जहाँ पर मेरा नेचर ऐसा है कि आदमी को चलो ठीक है वार्निंग दे दो, वार्निंग दे दो, वार्निंग दे दो, बट आई थिंक सब स्टाफ के दिमाग में वो चीज़ घुस नहीं रही है। ऐसी सिचुएशन में एज अ बिजनेस मैनेजर या एज एन ओनर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं वार्निंग दे दे के काम नहीं चला सकता। हेलो, क्या हुआ है तेरे को? कब से लगी है? कल रात से ही हुआ है सब? हाँ, 4 दिन से कुछ नहीं हो रहा। दवाई आती है या नहीं आती है लूज मोशन की? ओमकार किधर है? ये दिवाळी से 4 दिवस जे भेटले होते ना कंपनी कडनं ते कॅन्सल होते तुमचे जे नाही आले आज, सरांनी सांगितले सकाळीचे। त्याला बोलत बोललो होतो बुकिंगचं आहेत, नाही होणार तसं नाही होणार, घर पे यहाँ पे कोई भी नहीं है, गाँव से मैं आके लाके वहाँ पे क्या करूँ, इसलिए नहीं आया। ठीक है, और कौन है? रियाज, उसको लगा? उसको क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं कल से, अगर ठीक लगा तो आऊँगा बोले थे, नहीं तो फोन करूँगा बोले थे सुबह, फोन नहीं दे मैं बात करता हूँ। मजाक बना के रखा हुआ सब, हाथ धोना तो गर्दन पकड़ के सब बैठ जाएंगे। मुझे टीम मीटिंग ले बुलाया सबको। आने का टाइमिंग मैंने क्या बोल के रखा था, क्या बोल के रखा था? 9:20। किस टाइम पे आए हैं आज सब लोग? किस टाइम पे काम शुरू हुआ है? हाँ, पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ मैं अभी, 9:20 का एंट्री टाइम है, 1 मिनट, 9:21 हुआ, सीधा हाफ डे है, कोई वार्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। आज जो लोग 9:20 के बाद में एंट्री किए हैं, इसमें 9:20 के बाद में आए, उनका आज हाफ डे है। और अब जितनी बार आओगे, रोज के रोज अगर 9:20 के बाद आओगे तो रोज हाफ डे लगेगा। ठीक है, हमारी शिफ्ट का टाइमिंग 9:30 to 7 है। पहले हम लोग क्या करते थे, 7:15 से ओवर टाइम शुरू करते थे, 15 मिनट का बफर इसलिए रखते थे क्योंकि लोग यूजुअली 10-15 मिनट लेट आते थे। और एज अ टीम मेंबर मैंने सोच के ठीक है सबकी बात मानी कि 7 बजे से ही ओटी शुरू होगा, 9:30 से 7। अभी आज सब लोग मेजोरिटी 50-60% ऑफ द स्टाफ जो है वो 9:50 के बाद आया है, मतलब 20 मिनट लेट, काम शुरू हुआ है 10 बजे के बाद, आधा घंटा बेकार हो गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा बस मैं ही किया जा रहा हूँ और मेरे पास अभी कोई उपाय नहीं बचा। मैंने सीधा बोल दिया कि अब जो 9:20 इज द रिपोर्टिंग टाइम, 9:20 के बाद जो आएगा उसको सीधा हाफ डे लगेगा। 9:20 मतलब 9:20, 9:15 पे आना है, 9:10 पे आना है वो तुम्हारी मर्जी है, 9:19 पे आना है वो भी तुम्हारी मर्जी है, 9:20 के बाद जो आया उसका हाफ डे। क्योंकि सीधी भाषा में किसी को समझ नहीं आ रहा मुझे लगता है। कितने बजे काम शुरू हुआ है भाई आज? 4 छुट्टी कम पड़ी सब लोग का सोच के, फ्राइडे का छोड़ के एक साथ में छुट्टी दिया, पिछली बार भी सेम चीज़ किया, उसके बावजूद वही बिहेवियर, वही पैटर्न, वही चीज़ रिपीट होती है। क्यों, मैं एक ही तरफा, मैं ही ख्याल रखने के लिए बैठा हूँ क्या? क्यों लेट हुए आप? क्यों नहीं, क्यों लेट हुआ, क्यों लेट हुआ? कोई रीज़न नहीं ना, रीज़न मैं बताता हूँ, रीज़न यही है कि मैंने जो एक बात बोली है उसकी किसी को कोई वैल्यू नहीं है और कोई कारण नहीं है। 9:30 बजे काम नहीं शुरू हुआ,
9:20 का रिपोर्टिंग टाइम है, आज हाफ डे लग रहा है, जो जो आया है लेट, और कल से भी जो आएगा कोई वार्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। 30 दिन में से 30 दिन अगर लेट आए 9:20 के बाद तो 30 दिन का हाफ डे लगेगा। अभी जिसको घर जाना है वो जा सकता है, दोपहर के बाद आना है, हाफ शिफ्ट कंप्लीट करनी है कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं करनी पूरे शिफ्ट घर पे बैठना है तो वो भी कर सकते हो। डिसाइड कर लो किसको क्या करना है, पर हाफ डे लगेगा जो लेट आया है, और रोज लगेगा। अभी पहले हम क्या करते थे कि 9:20 के बाद जो आएगा और 3 बार अगर वो ऐसा करता है तो उसको हाफ डे लगाते थे, पर वो भी हम नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे, जो उसका ओटी बनता था उसमें से माइनस कर लेते थे। बट आई थिंक इतना डिसिप्लिन काम में जरूरी है, ये होना ही चाहिए, वरना हायरकी की और कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जो एक बेसिक इज्जत करनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। ये सेम रूल मेरे भाई के ऑफिस में था जब राघव आर्किटेक्चर की जॉब करता था। 9:15 वाज हिज रिपोर्टिंग टाइम और उसको 20 किलोमीटर जाना पड़ता था रोज। 1 मिनट भी कोई अगर लेट होता था तो उसको हाफ डे लगता था। तो सब लोग टाइम के बहुत पाबंद थे। आई थिंक यहाँ भी अब वही उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ सोल्यूशन मुझे सूझ नहीं रहा। थोड़ा सा इस बारे में खराब लग रहा है, शटर वटर हमने सारे बंद किए हुए थे, इधर 3-4 लोग आए और बाहर राजू खड़ा था। उन्होंने पूछा दुकान बंद क्यों है, तो राजू ने बोला दिवाली की वजह से बंद है, कल खुलेगी, आप कल आइएगा। तो उसने बोला सर किधर है, बोला सर अंदर रहेंगे पर बंद है, वो कुछ काम कर रहे रहेंगे, आप कल आइए। तो राजू अंदर गया अपना फोन लेने के लिए, मेरे को कॉल करने के लिए, ये भाई शटर वटर खोल के अंदर आ गए, सारे यहाँ से खोल के अंदर आ गए, वहां से घुस के वो पेंट बूथ वाले सेक्शन से वहां अंदर आके आवाजें लगा रहे, कोई है कोई है कोई है। मैं समझ सकता हूँ, मतलब एक होता है कि मिलना है सब है, बट किसी की बाउंड्रीज और प्रिवेसी भी कोई चीज होती है। मैं इरिटेट हो गया क्योंकि ऐसे देख कोई भी अंदर आ जाएगा तो आदमी डिफेंसिव हो जाता है कि मतलब ऐसे कौन घुसा है अंदर। सब कुछ बंद करा हुआ था हम लोग ने, सिर्फ एक शटर में ताला नहीं लगाया था, पर शटर पूरा बंद किया हुआ था कि हम लोग ने अंदर बाहर जाना रहे। तो वो आ गए अंदर, तो उनमें से एक जन बोला कि आपने बोला था ना 4 दिन दुकान बंद है पर आप रहोगे इसलिए हम आ गए। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं होता, ठीक है बिजनेस प्लेस है बट इसका मतलब ये नहीं कि बंद शटर कोई भी अंदर आ जाए। बोले नहीं ताला नहीं लगा था। मैं कहा शटर बंद था ना? बोले हाँ शटर बंद था। मैं कहा तो आप खोल के घुस जाएंगे अंदर? मैं कहा आपका घर अगर लॉक नहीं है, दरवाजा बंद है, मैं खोल के अंदर आके आपके हॉल में बैठ जाऊँ क्या? तो मैं गुस्सा हो गया, मैंने बात नहीं की उससे। फिर मैं बोला आप जाइए, मुझे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं होता, मैं कभी किसी के घर या किसी की दुकान में ऐसे बंद दुकान में घुस नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? यार स्नैपचैट नहीं समझ आ रहा यार, तक घटिया ऐप है यार। तुम स्नैपचैट पे क्यों आते हैं? भाई जहाँ पे भी ऑडियंस है वहाँ पे जाने गए और क्या है, मैक्सिमम डैमेज। क्या हुआ? कहता व्यूज 69 आ गए, अभी 10 मिनट पहले 29 थे। मैं देखो बाकी के कलर सैंपल मारने को दिया था, 6 मारे थे, उसके बाद बाकी का क्या हुआ? आज मारेंगे, अगर टाइम हुआ तो, आज 1 घंटा टाइम होगा ना तो 6 पैनल। शाम को मेरे को और 6 पैनल करके चाहिए, जो कलर्स है वो 24 में से 6 हुए, 18 बाकी है ना। हाँ तो आज 6 कर और कल 6 कर और परसों 6 कर, मेरे को खत्म चाहिए परसों तक सारा। ठीक है। बूथ क्लीन करके क्या फील आ गया अंदर। तो अभी हम लोगों ने 2 चैनल पे अपना कंटेंट सेग्रीगेट किया हुआ है। जो ब्रोटोमोटिव मेन चैनल होने वाला है वो सारी प्रोफेशनल नॉलेज और सारे वीडियोस का होने वाला है, और जो ब्लॉग चैनल है वो उसके पीछे का कैजुअल कंटेंट होने वाला है। नॉलेज दोनों में मिलेगी। अभी दुना ये वाली i20 पेंट कर रहा है और सिल्वर कलर में ये गाड़ी होने वाली है, अभी एक बार देख लेते हैं और फिर पेंट होने के बाद एक बार ये देखेंगे। ये नीचे का एरिया हमने ब्राउन मास्किंग टेप से कवर किया हुआ है क्योंकि ये रनिंग बोर्ड पे जो है वो OEM में रफ फिनिश आता है। तो नीचे हम अंडर बॉडी कोटिंग करने वाले हैं इसको रेप्लिकेट करने के लिए, एक बार वो हो जाएगा तो उसके ऊपर नॉर्मल जो बॉडी कलर पेंट आने वाला है वो आएगा। तू मार रहा है क्या गाड़ी या दूना मार रहा है? लाइटें वाइटे बंद करके क्यों बैठा है तू इधर? ओहो, ऑन एन एवरेज हम लोग के इधर वीकडेज पे अबाउट 20-25 वॉक-इन्स रहते हैं, और भयंकर दिन रहते हैं सैटरडे और संडे। संडेज को कभी कभी 50-60 वॉक-इन्स हो जाते हैं, जो विद इन अ टीम ऑफ 4-5 पीपल बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अच्छा, ये गाड़ी मैं ब्लॉग चैनल में इसलिए दिखा रहा हूँ कि यूजुअली हम लोग का बुकिंग का तरीका कैसे रहता है, कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाके गाड़ी के फोटोज ऐड करते हैं। फोटोज हम इसलिए मंगवाते हैं ताकि हमारे लिए और क्लाइंट के लिए दोनों के लिए सहूलियत हो जाए कि गाड़ी की कंडीशन पता चल जाए तो फिर हम गाड़ी मंगा सके। अब जब हमने उनसे बात किया था, उन्होंने जिस तरीके के फोटोज भेजे थे उस हिसाब से गाड़ी पे उस टाइम में रस्टिंग इशूज या बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख नहीं
नहीं रहते, उनके हिसाब से ये कंडीशन काफी डिसेंट थी। पर अब जब ये गाड़ी आई है इतनी दूर से, तब इसमें सामने से देख के पता चल रहा है कि इसकी हालत कैसी है। आई मीन ही वॉज ओके विद स्पेंडिंग 1 to 1.25 lakh, बट एक्चुअली अब इस गाड़ी में बहुत ज्यादा खर्चा जा रहा है, तो ये गाड़ी वापस जाने वाली है। फेंडर्स वगैरह में ये सब एरिया पूरा रस्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ ऊपर का भी जितना ग्लास का मोल्डिंग है ये सब भी काफी डैमेज्ड है। गाड़ी 2 से 3 बार पहले पेंट हो चुकी है और बॉडी का शेप बहुत ऑफ है। ये फेंडर के इधर भी सारा अंदर रस्ट हो रहा है। ये क्वार्टर पैनल का शेप पूरा आउट है, यहाँ से ये पूरा बल्ज है और इसमें बहुत ज्यादा माल भरा हुआ है। ये छत भी रिपेयर हुई है, छत पे काफी डेंट है, कलर भी ब्लिस्टर कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो रबर बीडिंग के अंदर तक कलर मार दिया है, जो बॉडी कलर में नहीं आती है। ये जो बॉडी कलर है ये वाला, ये पूरा इस सब पट्टी में पूरा गोल्ड मार दिया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट सिंपल नहीं होते हैं, ऐसे केसेस में पूरी गाड़ी को ना यूजुअली स्क्रैप करना पड़ता है। और ये जो पहले पेंट हुई है ना, ये भी एनसी पेंट से हुई है, तो ये पूरी गाड़ी पे पेंट करने का कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं जाता, 12-13 हज़ार में पूरी गाड़ी हो जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि आप नहीं करवाइए, क्योंकि देखिए बजट बहुत ज्यादा जाता है। हमसे अगर आप काम कराना चाहते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन रफ है तो थोड़ा सा खुद ही वो बता दे, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी गाड़ी हो जो कि ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो वो ना ही बनाई जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या होता है, पहली बार काम किया जाए ना तो उसको किसी भी गलती को ठीक करना आसान होता है, पर अगर हमको किसी और का खराब किया हुआ काम ठीक करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो अभी क्या काम नहीं है क्या, और रुके किसके लिए हो? लाइट है नहीं अभी 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से लाइट नहीं है। और लाइट नहीं होने से मुझे याद आया कि पिछली बार जब हमने दिखाया था कि लाइट नहीं है शाम को, तो 2 टाइप के कमेंट आए थे। एक की लाइट जाने की वजह से जितना नुकसान हुआ उतना वीडियो डाल के कमा लोगे, तो भाई ऐसा होता नहीं है। वीडियो डाल के देख लो, पता चल जाएगा यूट्यूब पे कितना पैसा आता है। और दूसरी चीज, किसी ने लिखा था जनरेटर डाल लो, इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 किलोवाट का लोड है। ये जनरेटर अगर मुझे खरीदना है तो 8 से 9 लाख रुपए का जनरेटर है। अभी ये वर्कशॉप बनाते बनाते इतना खर्चा हो गया उसमें कि जेब पूरी खाली हो गई। तो जनरेटर खरीदना वॉज नॉट दी फर्स्ट प्रायोरिटी, लाइट कभी कभी जाती है, पहले इक्विपमेंट खरीदना और बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, दैट वॉज अ प्रायोरिटी। आगे चल के जब जनरेटर की जरूरत पड़ेगी ज्यादा अगर, तभी जनरेटर खरीदेंगे। अब महीने में अगर 1 दिन लाइट जाती है, 1.5 दिन लाइट जाती है, तो मैं उसके लिए अभी मेरे पास है नहीं उतना पैसा डालने के लिए। और बिजनेस में ये बहुत चीज जरूरी है कि अपने फंड्स अच्छे से बाइफरकेट करना और प्रायोरिटीज उन चीज को देना जिनमें ज्यादा जरूरी है। फंड्स अनलिमिटेड नहीं होते हैं, ये सिर्फ मेरे बिजनेस का नहीं है, ये हर एंटरप्रेन्योर ये बात समझ सकता है कि है पैसे 10 लाख रुपए और काम करना है 60 लाख रुपए का, तो पहले क्या प्रायोरिटी है उसको अलॉट करना है। फिर धीरे धीरे बिजनेस जैसे प्रॉफिट कमाता है फिर दूसरी चीज खरीदी जाती है, फिर तीसरी चीज खरीदी जाती है। इतना आसान नहीं है कि जनरेटर बुरा ले लिया, ये वो वाला जनरेटर नहीं है। मुझे लग रहा है हमारे ये ब्लॉग्स करने का पर्पस कुछ हद तक फुलफिल हो रहा है। कल मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, थैंक यू परीक्षित भाई, मेरे फादर का कमर्शियल एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है एंड आई ट्राई टू कीप क्वालिटी चेक ऑन ईच एंड एवरी कूलर पॉसिबल, बट स्टाफ के साथ इशू ये आता है कि ब्लेम गेम प्ले करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये समझते नहीं है कि कस्टमर खराब रिव्यू भी डाल सकता है, उसके फीडबैक और उसके रिकमेंडेशन से क्या असर हो सकता है हमारे बिजनेस को। शायद आपका वीडियो उनको एक बार दिखाऊंगा तो समझेंगे। और ये फरीदाबाद से, इनका नाम है तुषार। तो मैंने एक आइडियोलॉजी बहुत क्लियर रखी है और ये मैंने प्रैक्टिकली नोटिस भी किया है कि last 6 years में हमारी टीम बहुत छोटी रही है, अब जाके थोड़ी एक्सपैंड हुई है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो शुरू के 4 साल में वी आर अंडर 10 पीपल और लास्ट के 2 साल में फ्रॉम 10 to a team of 50। बट वो 10 लोग की टीम को बनाने के लिए मैंने कम से कम ओवरऑल 225 लोग हायर किए थे, उसमें से मतलब 200+ फायर किए थे, तब जाके वो 10 लोग की टीम बनी। सो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं मानता हूँ कि जो टीम होती है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और एक बहुत अच्छी सेइंग भी है, आर एसेट्स वॉक आउट ऑफ आर प्रीमाइसिस एवरी इवनिंग। तो टीम ही सबसे बड़ा एसेट है, और ये टीम अगर आपकी गलत रहेगी तो ये बहुत प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है। अगर आपको लगता है आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो जिसमें एटीट्यूड इश्यूज हैं, या जो आपकी बात ठीक से नहीं सुन रहा है, या आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो नहीं कर रहा और ये ब्लेम गेम वगैरह कर रहा है, इट इज बेटर दैट यू रिमूव इट। हाँ, आपका टाइम जरूर जाएगा नए लोगों को ट्रेन करने में उस पोजीशन के लिए, बट यू विल ऑलवेज फाइंड समबडी हु इज मोर ईगर टू वर्क, हु इज मोर पैशनेट, जिसको ज्यादा जरूरत भी है काम की और वो काम की वैल्यू भी करता है। मैं काम को सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूँ और टीम मेरी वैसी ही चाहिए मुझे जो मेरे काम को उतनी इंपॉर्टेंस दे। ये मेरा सजेशन रहेगा आपको और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये सजेशन आपको हेल्प करेगा। ये क्रेटा हमारे पास आई है फुल पीपीएफ के लिए, इस पर हम गरवारे का पीपीएफ लगा रहे हैं। हम लोग एक बार इसका प्री इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि अगर कहीं पेंट में प्रॉब्लम हो या कोई स्क्रैचेस हो तो पहले से हम देख लें और कस्टमर को नोटिफाई कर दें। चेक कर ले पूरी गाड़ी, लाइट लगा डिटेलिंग वाली पूरी गाड़ी एक बार चेक कर। इंस्पेक्शन करते हुए हम लोगों ने अभी नोटिस किया कि ये नई गाड़ी पे यहाँ पर एक छोटा सा डेंट,
बहुत माइनर है बट है। अक्षय ये क्लाइंट को जो डिक्की का डेंट है वो इन्फॉर्म कर दे, बहुत माइनर है, कुछ करने का ऐसा जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा ऐसा गाड़ी में है दिक्कत। बाकी गाड़ी चेक कर ली, फिर अगर हो गया तो डालते हैं इसको फिर, चलो पीपीएफ के लिए। तो तू अभी साजन को मदद करने वाला बिठाने के लिए? सोच रहा हूँ अगर हो गया तो, नहीं तो मैं एडिटिंग करने चला जाऊंगा एक आध पैनल बिठा के, यही है इस पे टाइम मेजर लगता है, बॉनेट ये करके निकलूंगा। राम इस पे भी मार ले, बॉनेट पे भी बहुत गंदगी, एक बार ईडब्ल्यूसी ना मार ले पूरा, चिपचिपापन है बॉनेट। कपड़े को ना राम चार फोल्ड करके अच्छे से फोल्ड करके ना ईडब्ल्यूसी पूरा जैसे हम वॉश करते थे ना उससे पूरा फैला के अच्छे से स्प्रे कर, दो तीन कपड़े ले और उसको वाइप डाउन कर फिर अच्छे से, जो भी चिपचिपापन है तभी पूरा निकलेगा, थोड़ा थोड़ा मारेगा कुछ नहीं होगा। दिख रहा है? अगर शूटिंग ठीक से नहीं किया ना तो कानू भी ये करेगा तेरा। अभी 9 बज चुके हैं, हर्षल एक और वीडियो एडिट कर रहा है, हम लोग ऐसे एडिटिंग के ओवरलोड कैपेसिटी पे चल रहे हैं, और मैंने दुना और दुश्मन को बोला था कि याद से कलर के सैम्पलिंग करके जाना, हमेशा टाल देते हैं, मार के गए हैं अच्छे कलर, सारे डार्क मारे हैं आज, ये वाले जाएंगे अब वापस वॉल ऑफ कलर। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, कल क्रेटा का पीपीएफ कंप्लीट होने वाला है, साथ में दो प्रोजेक्ट और है पीपीएफ के, इसके भी बाकी पैनल्स कल पेंट होंगे। आज का दिन 4 दिन छुट्टी के बाद का आरामदायक दिन था, सुबह मैंने थोड़ा सा डोज दे दिया सबको, बट थोड़ा डिसिप्लिन भी उस चीज में जरूरी है, अगर वर्क टाइमिंग सब फॉलो नहीं करेंगे और अपनी मनमर्जी से काम चलाएंगे तो काम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम लोग सब इकट्ठा इस मेन रीजन से ही हुए हैं कि काम निकले। गुड नाइट एवरीबॉडी, कल वापस मिलते हैं, टाटा बाय बाय।